देखिए जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो नंबर दिया गया वो कैसा है। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब कोटिमान, इसको बोलते हैं हिंदी में कोटिमान बोलते हैं, ठीक है, कोटिमान। अब देखिए कोटिमान कैसे निकालते हैं, क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं देखिए उसके बारे में। जिस नंबर, जिस संख्या का, जिस राशि का कोटिमान निकालना होता है उसको क्या करते हैं, 10 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स निकटतम 10 के पूर्णांक घात के रूप में उसको लिखते हैं, निकटतम 10 के पूर्णांक घात के रूप में लिखते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, यन नंबर है, सिंपल सी बात है, यन नंबर कोई दिया गया उसका एक जो 10 की घात के रूप में लिखेंगे वो मान लीजिए कोई ए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर b। अब देखिए लिखते कैसे हैं, ये आपको बी क्या है, ऑर्डर, इसका ऑर्डर है, ठीक है। जब भी आप लिखेंगे n इजक्ल टू ए इंटू 10 की पावर b, ठीक है, इसी फॉर्म में हमेशा नंबर को लिखेंगे, चाहे जो भी नंबर दिया गया है अगर इस फॉर्म में दिया गया है तब भी उसको क्या, किस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 3162 इस तरह दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव उस तरह लगाते हैं दशमलव के पहले केवल एक ही अंक बचा हो, ऐसे इस फॉर्म में बना लेते हैं। इस ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू को ऐसे बना लेते हैं ताकि दशमलव में लिखते हैं उसके पहले केवल एक ही अंक हो, क्यों, क्योंकि हमें इसको कम तुलना करना होता है, इस ए को तुलना करना होता है किससे, इसको कंपेयर करना होता है किससे, इस जो रूट टेन की वैल्यू से, रूट टेन की वैल्यू से, क्योंकि हम इसके 10 के फॉर्म में लिखते हैं, 10 की पावर के फॉर्म में, इसीलिए रूट टेन की वैल्यू कितनी होती है, 3.16। इससे हमेशा इस ए को कंपेयर करना होता है, उसी से डिसाइड होता है कि बी में ऐड होगा कोई वैल्यू कि नहीं ऐड होगा। देखिए कैसे होता है, देखिए जो ए होता है आपको इसमें इफ़ ए इज ग्रेटर और इक्वल, इस ए की वैल्यू यदि इस रूट टेन की वैल्यू से बड़ा और बराबर है, ठीक है, मीन्स 3.16 यदि ऐसा है, ए की वैल्यू, इस ए रूट टेन की वैल्यू है, ये रूट टेन की वैल्यू है, ठीक है, ये। अब देखिए यदि ऐसा है ए की वैल्यू 3.16 से बड़ा है या बराबर, ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका बी प्लस वन होगा, ठीक है, सिंपल सी बात, जो आपका बी है ये उसी में एक ऐड हो जाएगा। यदि ऐसा है तो ए की वैल्यू जो है वो 3.16 से अधिक है तो बी में एक ऐड हो जाएगा, और यदि दूसरा इफ़ ए इज़ लेस देन 3.16 यदि ऐसा है देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका बी। मीन्स अब देखिए टोटली डिपेंड इस भी कर रहा है ए पर, ए पर सारी वैल्यू डिपेंड कर रही है। यदि ए की वैल्यू 3.16 से अधिक है या बराबर, लेस और सॉरी ग्रेटर और इक्वल है, तो जो इसकी पावर जो 10 की पावर में होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा, और यदि ए की वैल्यू 3.16 से कम है तो आपका 20 के जो आपका पावर में है वही आपका कोटिमान होगा, वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। कोई एग्जांपल लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका वैल्यू है 569, ठीक है 569 इतना है इसका कोटिमान, इसका क्या है, ये आपका इसका कोटिमान निकालना है, ठीक है, इसका कोटिमान निकालना है। तो अब बताइए इसको कैसे फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स इसके 3.16 फॉर्म इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 की पावर b में लिखेंगे, ठीक है, मीन्स इसको दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे, दशमलव की पहले केवल एक ही नंबर होना चाहिए, उसके बाद 10 की पावर में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या लिखते हैं, 5.69 इंटू 10 की पावर 2। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कोई भी नंबर लिखा गया है तो उसके लास्ट पॉइंट पे क्या दशमलव मानते हैं, दशमलव होता है, ठीक है, दशमलव अगर से इस अंक, जिस संख्या है इसके बाएं तरफ जा रहा है, जब बाएं तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन होकर 10 की पावर में मल्टीप्लिकेशन होकर वो जो नंबर रहेगा वो आपका जितना अंक जाएगा आगे उतनी पावर यहाँ पर बढ़ेगा। इसे देखिए दशमलव यहाँ मानते हैं, दशमलव मानते हैं तो एक अंक गया, दो अंक गया, ठीक है, दो अंक गया, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 की पावर 2 इतना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए क्या है, इससे कंपेयर कीजिए, n इज इक्वल टू ए
इंटू 10 की पावर बी, मीन्स ये आपकी किसकी वैल्यू है, 569 की वैल्यू है, ठीक है, इसको इतना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर n बराबर क्या है, ये n है, इससे कंपेयर कीजिए a इंटू 10 की पावर b, ठीक है। अब इसको देखते हैं, a बराबर क्या है यहाँ पर, 5. a बराबर है आपका 5.69 है, ठीक है, और b बराबर क्या है, इससे कंपेयर कीजिए, तो b बराबर क्या है यहाँ पर, 2 है, ठीक है। अब देखिए, अब जिस जो यहाँ कंडीशन लगाए हैं, a इज़ ग्रेटर और इक्वल 3.16, ठीक है, यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है, 5.69, देखिए ये इससे बड़ा है, 3.16 से बड़ा है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बराबर b प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर b क्या है, 2 है, यहाँ पर देखिए b 2 है ना, b क्या, 2 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 3 होगा, इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका क्या हुआ, इसका इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 आया, ठीक है। देखिए जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो नंबर दिया गया वो कैसा है, ठीक है, जो राशि दी गई है वो कैसी है, जो क्वांटिटी दी गई है वो कैसी है। सपोज है कोई नंबर है आपका 0.000162, इस तरह से है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, किसका कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपका पॉइंट है दशमलव है वो राइट साइड मूव कर रहा है, मीन्स दाहिनी तरफ मूव कर रहा है, इस नंबर के राइट साइड मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, 0.000162, इसको लिख सकते हैं आप 1.62 इंटू 10 की पावर, देखिए जब भी आपका पॉइंट राइट साइड मूव करेगा, नंबर के पूरे जो होल नंबर है इसके राइट साइड मूव करेगा, तो आपका जो मल्टीप्लाई करके जो 10 की पावर में रहेगा वो 10 की पावर माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में इंक्रीज करता है। तो देखिए दशमलव यहाँ पर है, एक अंक इधर गया, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या हो, -4, -4, इस तरह से अगर दशमलव लगाते हैं, दशमलव को लगा के जब मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं, जो 10 की पावर में लिखते हैं, उसमें आप कैसे माइनस में लिखते हैं, कैसे प्लस में लिखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी नंबर में कोई भी, मान लीजिए 316 है, मान लीजिए इसका अगर से दशमलव में लिखेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, दशमलव जब लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसमें जब दशमलव लगाएंगे, आप दशमलव यहाँ मानते हैं, पहले से तो जानते हैं दशमलव यहाँ रहता है लास्ट में, ठीक है, तो इसको अगर से ये दशमलव राइट साइड लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो 10 की पावर में प्लस करके जो भी है वैल्यू आएगी, जो भी है वैल्यू आएगी प्लस करके आएगी, प्लस पावर प्लस मिलेगा। यदि आपका ये दशमलव, मान लीजिए दशमलव इस तरह से दिया गया है, दशमलव यहाँ पर दिया गया है, तो जो अगर इसको दशमलव को इस साइड में दाहिनी तरफ मूव करा रहे हैं, तो 10 की पावर माइनस में करके आएगा, -2, -3 जो भी आपका आएगा माइनस करके वैल्यू आएगा। अब इसका कोटिमान निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं, तो इसका कोटिमान कैसे दिखा, यहाँ पर कंपेयर कीजिए इससे, एन इजक्वल टू ए इंटू बी 10 की पावर बी, इससे आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर एन तो इसका ये तो नंबर है पूरा, इसका कोटिमान निकालना है, तो ए क्या है यहाँ पर, ए बराबर 1.62 है, ठीक है, 1.62, और बी क्या है यहाँ पर, बी देखिए -4, ओके। अब देखिए ऑर्डर, अब इसको कंपेयर कीजिए किससे, 1.62 से, मीन्स ए जब यहाँ पर ए का देखिए, ए को कंपेयर किया ना 3.16 से, तो यहाँ पर क्या होगा, ए कितना है 1.62, ये आपका देखिए 3.16 से लेस है, इससे लेस है, तो 3.16 से लेस है, इसलिए सो दैट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल बी, बी के इक्वल होगा, दैट मीन्स क्या होगा, बी कितना, -4, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -4, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, जैसे मान लीजिए कोई दिया 2.61 इंटू 10 की पावर -3, इस तरह दिया है, यदि ऐसा पहले से दिया गया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें देखिए n इजक्वल टू a इंटू 10 की पावर b, इस फॉर्म में ऐसे ही दिया गया है, पहले से दिया गया है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिर्फ कंपेयर करना है, इससे n इजक्वल टू a इंटू 10 की पावर b से कंपेयर करेंगे, तो a बराबर क्या दिया गया है, 2.16, और b बराबर क्या दिया गया है, -3, इतना दिया गया -3। अब जब कंपेयर करेंगे तो जो a की वैल्यू कितनी है, 2.16 है, तो अब इसको कंपेयर, 2.16 इससे किससे लेस है, 3.16 से लेस है, इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, b, डैट मीन्स क्या होगा, -3, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ, ओके। सपोज दैट मान लीजिए ऐसा कोई दिया गया है 0.0132 इंटू 10 की पावर -2 दिया गया है, अगर ऐसा दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करेंगे हम,
इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या करते हैं हम, जो दशमलव दिया जाता है उसके पहले कोई एक नंबर एक से नौ तक, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बीच में कोई नंबर होना चाहिए, मीन्स इसको बनाएंगे 1.32। देखिए दशमलव यहाँ पर है ना, जब दशमलव यहाँ इसको राइट साइड में कराते हैं तो जो भी वैल्यू इंक्रीज करती है 10 की पावर में वो माइनस में इंक्रीज करती है। देखिए ये 10 की पावर में क्या, देखिए एक वैल्यू गया, एक दो दो अंक गया इधर, 32 × 10^-2, और ये दो ये पहले से है, ये 10^-2 ये वाला पहले से है, ये वाला इसके पहले से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ये दशमलव है ये दो अंक राइट साइड में किया है, दो अंक राइट साइड में किया है, इसलिए 10^-1 -2 -3 जाएगा, यहाँ पर गया 10^-1 गया -2, ठीक है, तो 10^-2 ये आया, ठीक है। उसके पहले कितना था आपका, 10^-2 पहले से ही था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.32 × 10^-4। आप जानते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन है तो वहाँ पर जो घात रहती है वो जुड़ती है, 10^-4 हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे, n = a × 10^-b। यहाँ पर देखिए a बराबर दिया गया है 1.32 और देखिए b बराबर क्या है यहाँ पर -4। अब देखिए कंपेयर करते हैं किससे, 1.32 इज लेस देन 3.16, इससे लेस है, मीन्स रूट 10 की वैल्यू कितनी है 3.16 से लेस है, इसीलिए सो दैट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो बी के बराबर, बी क्या है -4, इसलिए -4 हुआ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस तरह हुआ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन इतना दिया है 4.32.062 × 10^2, इस तरह से दिया गया है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर दिया गया तो उसको हमेशा a × 10^b की फॉर्म में हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तीन तीन अंक है, दशमलव के पहले तीन अंक है, जबकि हम जानते हैं दशमलव के पहले केवल एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर बनाएंगे 4.32.062 × 10^2। अब देखिए जो 10^ यहाँ पर देखिए एक अंक गया इधर दो, अब जब भी जो दशमलव है वो बाईं तरफ मूव कर रहा है, इसलिए 10^ में कितना होगा एक अंक दो, दस खाते एक दस खाते दो, ठीक है, 10^2 × 10^2, ये 2 पहले से है, 10^2 पहले से ये वाला, ठीक है, ये पहले से 2, 10^2 पहले से, और ये देखिए दशमलव इधर मूव कर रहा है, राइट साइड मूव कर, सॉरी लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, तो जो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो एक हो गया, 10^1 / 10^2, ठीक है, तो 10^2 हो गया। उसके बाद ये हो गया 4.32.06 × 10^4, आई बस में ये वैल्यू देखिए। अब इसको कंपेयर करें, यहाँ पर देखिए a × 10^b के फॉर्म में हो गया ना, a बराबर क्या है यहाँ पर 4.32.06 और b बराबर क्या है 4, इसलिए जब कंपेयर करेंगे 3.16 से तो 4.32.06 इज ग्रेटर देन 3.16, इसलिए सो दैट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b+1। आप जानते हैं अगर वैल्यू 3.16 से बड़ी है, 3.16 से बड़ी है तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा b+1 होगा, ठीक है, तो b क्या है यहाँ पर 4 है, इसलिए 4+1 = 5, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 आया, ओके। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स कोटिमान। तो आज के लिए बस इतना है, ओके, थैंक यू।